कितना देर पहले यहाँ से गए हैं आप? 3:30 बजे। 3:30 बजे गए हैं। तो जब वहाँ से रेफर किया गया आपको, तो आप क्यों नहीं मतलब वहाँ पे गए? तो हमारा ना कल कहाँ तुम जा रहे कल की अपन ले जाइए, हम रिक्शा नहीं लेंगे। सर नहीं बोले थे इनको आप? रिक्शा नहीं लेंगे, ले जाइए बोल रहा। नहीं, कौन बोले थे, कौन बोले थे? नोटेशन के रखने नाम दे दिए है बोला डॉक्टर। नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, यहाँ पे एनएम के माध्यम से बोला गया कि इनको मतलब यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा, आप इनको रेफर करवा लीजिए और SKCM मतलब बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। और इनका बुद्धिमानी देखिए, इनके साथ ही एक आशा, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जैसे थाना के चौकीदार होता है वैसे हॉस्पिटल के यहाँ पे आशा होती है। तो आशा के माध्यम से इनको बताया जा रहा है कि आसपास के कोई क्लिनिक में ले गया गया है और ले जाने के बाद वहाँ पे उपचार होगा। उपचार होने के बाद फिर वही कांड होगा, हम जानते हैं, फिर वही कांड होगा, किडनी निकाल दिया जाएगा, मूत्र नली काट दिया जाएगा, फेफड़ा निकाल दिया जाएगा। अभी आप वहीं पर भर्ती कराइए कि लेके मुजफ्फरपुर जाइएगा? सो बोलिए, बढ़िया जहाँ सुविधा होते मेडिकल कॉलेज अच्छा है, आप वहाँ पे जा रहे हैं ऐसे अपना आपको जो लगे वो कीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अच्छा हुआ नहीं आपको, यहाँ पे तो कोई फायदा हुआ नहीं आपको। क्या कहना चाहिएगा यहाँ के विधि व्यवस्था को? जहाँ हमारा अच्छा सुविधा हो रहा, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप पहले जाइए पेशेंट देखिए। और यहाँ पे हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस फ्री में मिलेगा, गाड़ी का कोई जरूरत नहीं है, अभी गाड़ी फ्री में मिलेगा। गाड़ी आप लेना पसंद कीजिएगा, गाड़ी आपको चाहिए मुजफ्फरपुर जाने के लिए? हाँ, फ्री में अभी एम्बुलेंस दिखाएंगे दिवाएंगे। अब कहाँ गए एम्बुलेंस, कहाँ गए ड्राइवर साहब, कहाँ गए, कहाँ गए ड्राइवर साहब? सर बात करना था कुछ आपसे, बोलिए। सर मैं हिमांशी न्यूज से हूँ और सकरा प्रखंड में अभी आया हूँ, तो सोचे कि आपसे मिल लें। किस पद पर सर यहाँ पे विराजमान है आप? ब्लॉक हेल्थ मैनेजर हैं हमें। क्या? ब्लॉक हेल्थ मैनेजर। ब्लॉक हेल्थ मैनेजर। सर यहाँ के ये हॉस्पिटल का स्थिति क्या है, थोड़ा आप छोटे शब्दों में थोड़ा अच्छा से बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मेरा सवाल है। किस बारे में हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल के इलाज के मामले में। इलाज तो सबका हो रहा है, 24/7 है अस्पताल, सबका इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है क्या? है ना एम्बुलेंस। किस लिए है, मतलब सिर्फ खड़ा करने के लिए कि पब्लिक को सेवा करने के लिए? पब्लिक की सेवा के लिए। यहाँ एम्बुलेंस लगातार खड़ा है, अभी जस्ट आपके यहाँ से शायद देखिएगा आप जाके हॉस्पिटल में, नाम कटी एक महिला की जो यहाँ से पैदल जा रही थी और वहाँ से जाके वो प्राइवेट मतलब गाड़ी को भाड़ा की, उसके बाद वो ऑपरेशन शायद उसको लिखे कि क्या लिखे, डिलीवरी पेशेंट महिला थी, वो पैदल जा रही थी, क्या आप उसको एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं करा सकते? वो महिला अगर जो महिला के लिए पैदल है, पैदल जाने के लिए नहीं है, अगर वो महिला अगर एम्बुलेंस का डिमांड करती है या वो पता हम कर लेते हैं वो महिला मतलब किस परिस्थिति में गई है, डिलीवरी डिलीवर्ड महिला डिलीवरी पेशेंट डिलीवरी हो चुका था या क्या? नहीं नहीं होने वाला, तो उसको दिखवा लेते हैं कि वो बगैर बताए अस्पताल से फिर चली गई है। तो सर थोड़ा दिखवाइए, तो दिखवाइए ना, अगर दीजिएगा तो उसको दिखवा लेते हैं। लामा अभी तुरंत गई है, मेरे सामने गई है, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया और उनसे जब पूछा गया तो वो बता रही है कि से मतलब यहाँ पे अच्छा इलाज नहीं होने के कारण हमको डॉक्टर साहब बोले हैं कि से आप बाहर कहीं से ऑपरेशन का शिकायत है, मतलब ऑपरेशन से ही उसका डिलीवरी हो पाएगा और आप कहीं बाहर से करा दिया, ऐसा क्यों बोले आप? तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई बोला है उसको। सर ऐसा बार बार का केस है हॉस्पिटल के, आज का केस नहीं सर, बलगलाने का कोशिश आप हमको नहीं कीजिए, ऐसा बार बार का केस है। विधि व्यवस्था ऐसा क्या है, या आपके तरफ से या आपके डॉक्टर की तरफ से कमजोरी हो रही है कि एक मिनट सर, ये आपके तरफ से आपके हॉस्पिटल की तरफ से कमजोरी है या बिहार सरकार या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कमजोरी है, आप खुल के बोलिए। किसी की तरफ से कोई कमजोरी नहीं, आप एक तरफा बोल रहे हैं, आप बात को सुन नहीं रहे। एक तरफा नहीं बोल रहे सर, एक तरफा नहीं बोल रहे हैं हम, एक तरफा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम भी यहाँ के लोकल हैं, हम भी यहाँ के लोकल हैं, मेरा भी प्रखंड यही है, मेरा भी मतलब कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे आते ही इलाज कराने। इससे पहले हम आके आपसे बात किए, आपके डॉक्टर साहब से बात कीजिए किए, जो यहाँ के कुछ ऑपरेशन टाइप का मतलब वो ऑफिसर थे उनसे बात किए, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास चार एम्बुलेंस है, चार एम्बुलेंस हमेशा हमारे हॉस्पिटल पर रहती है, अभी भी वहाँ पे एम्बुलेंस लगी हुई है, जो कि वहाँ पे उसमें ना एक ड्राइवर है और ना कोई है। वो महिला पीड़ित रोते हुए बिलखते हुए यहाँ से जा रही थी और उसको कोई बोलने वाला नहीं था, आपका स्टाफ लोग बाहर में घूम रहा था और एक पिकअप यहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे जाके वो फोटो खिंचवा रहे थे, ऐसा कि मतलब क्या यहाँ पे धांधली हो रहा था बताइए। धांधली की बात नहीं, आप जो बात बोले हैं ना पहले उसकी जानकारी हम ले लेते हैं उसके बाद करेंगे। या तो होगा कि वो महिला बगैर बताए यहाँ चली गई है, कुछ होता है कि यहाँ आई तो उसको अगर किसी को रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस के साथ ही हम लोग रेफर करते। अभी तो ऐसा नहीं हुआ सर, अगर ऐसा एविडेंस हम आपको दे देते हैं कि से बिना एम्बुलेंस के आप रेफर कर दिए हैं तो आप क्या मानिए? रेफर किए हैं तो कहाँ गई है, तो उसको दिखवा लेते हैं हम क्या किस परिस्थिति में वो महिला गई है। सो कौन कौन सर बताए रेफर किए हैं सर, उनको बोला सर हम चाह रहे हैं कि उनको बुला दे जो रेफर किए हैं, वो डॉक्टर साहब जो रेफर किए हैं बुला दीजिए। नमस्कार सर,
सर एक महिला पीड़ित महिला भी डिलीवरी पेशेंट थी यहाँ से, यहाँ पे उसका इलाज के दौरान मतलब उसका इलाज हो पाया कि नहीं हो पाया, वो किस लिए चल गई, वो आरोप डायरेक्ट लगा रही थी कि हमारा हम यहाँ पे पिछले कुछ देर से या कुछ दिन से मतलब यहाँ पे मौजूद थे और सही इलाज नहीं होने के कारण हमको यहाँ से लास्ट स्टेज में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, आप कहीं दूसरे कहीं और चले जाइए, ऐसा क्यों सर कहा गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसको प्रोलॉन्ग लेबर है और दो दिन से है वहाँ यहाँ से वो, लेकिन पूरा ओपन जो है वो नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको गायनी के डॉक्टर से बोला गया दिखाने के। तो सर आज बोला गया, इससे पहले आप क्यों नहीं बोले? अंतिम स्टेज में बोले हैं और फिर वो महिला जाएगी और बगल के क्लिनिक में इलाज करवाएगी और उसको भी नस काट दिया जाएगा, किडनी निकल दिया गया, इसका दोषी कौन है? नहीं नहीं उनको बोला गया है कि गायनी के डॉक्टर से आप SKMCH में जाके एक बार दिखाइए, वो अगर अपना मन से अगर कहीं चले जाते हैं तो उनको गलती है ना, गलती है तो आप उसको एम्बुलेंस उसको समझाया क्यों नहीं समझाया कि एम्बुलेंस हमारी लगी हुई है, एम्बुलेंस से जाइए, सरकारी एम्बुलेंस है कि प्राइवेट एम्बुलेंस है? सरकारी एम्बुलेंस है, उसमें फिर भी तेल ड्राइवर भरवाता है? एम्बुलेंस के लिए वो हमसे नहीं बोले जी। तो सर उसको आप समझाना चाहिए ना, यहाँ पे सुनीता किडनी कांड हुई है, आपको पता है कि नहीं? हाँ। कितने दिन से यहाँ सर? 2 साल से। सुनीता किडनी कांड के बारे में पता है? हाँ, पता। हाल में 7 से 8 दिन पहले एक और मतलब वहीं पे वही क्षेत्र में एक मामला हुआ है जो मूत्र नली काट दिया गया महिला को और उसको भी मतलब 70% अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें से जिसमें से 71% किडनी खराब हो चुकी है, एक किडनी, और मात्र मोटा मोटी 30% किडनी उसको सही है, वही डॉक्टर करते हैं और आप ही लोग की लापरवाही के कारण ऐसा होता है। सर बुरा नहीं मानिएगा हम बोल रहे हैं, इन्हीं लोग की लापरवाही के कारण ऐसा होता है और इतना जर्जर स्थिति, सकरा हॉस्पिटल में बात बोल रहा हूँ, इतना जर्जर स्थिति है यहाँ पे कि 4-4 एम्बुलेंस बताया गया है, तो यहाँ पे 4-4 एम्बुलेंस चलती है, ना एगो में कोई ड्राइवर है, कोई में एक भी ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर एम्बुलेंस करने के लिए अगर पीड़ित अगर चाहते हैं तो उसमें ना ड्राइवर मिलते हैं ना वहाँ पे कुछ बोला जाता है, और डॉक्टर साहब डायरेक्ट रेफर कर देते हैं, लिख देते हैं कलम से जाइए, लिखा गया और आप चले जाइए दूसरा क्लिनिक में, कहीं दूसरा हॉस्पिटल में इलाज करा लिए। सर ऐसा मतलब मैटर, इस पर सुधार के लिए आपका क्या राय है? एम्बुलेंस के लिए क्या सर प्राइवेट में थोड़ी कहा जाता है कि नहीं प्राइवेट में जाइए? सर पीड़ित को समझाते हैं आप लोग कि नहीं किसी क्लिनिक में नहीं जाइए? सर बिल्कुल समझाते हैं हम लोग कि नहीं आप स्कीम में जाइए और बेहतर सुविधा है, अब पहले वाली बात नहीं रह गई, मेडिकल कॉलेज के नाम से जनरली लोग डर जाते हैं, लेकिन अब पहले जैसा बात नहीं रह गई है, हम लोग एक एक पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि नहीं आपको जाना है तो सदर हॉस्पिटल जाइए, SKM जाइए कि वहाँ पर आपको बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो अपना सुविधा के लिए कि नहीं घर के बगल में हमारा काम, ये लोग अपने मन से चला जाता है, हम लोग कंप्लीट समझाते हैं और कहते हैं इवन कि ये एम्बुलेंस भी हम लोग देते हैं, एम्बुलेंस का मैंने सब कुछ है यहाँ पे, अभी तो सर एम्बुलेंस लगी हुई है इसमें एक भी ड्राइवर नजर नहीं आ रहा है, उसको ड्राइवर खोजने लोग कहाँ जाएगा? ना ना होगा वो उसको खोजना अभी नहीं है सर, मेरे पास वीडियो है सर, मेरे पास वीडियो है और एम्बुलेंस में नहीं अथी में बैठा हुआ होगा, लेकिन सारा होगा यहाँ पर, ये भी कुछ है EMT हो ना जी, ये एम्बुलेंस कहीं आती है EMT सब यहीं पर है, लेकिन जब डिमांड किया जाता है डिमांड क्या हम लोग मैंने भिजवाते हैं अपने एम्बुलेंस से ही भिजवाते हैं। हाँ तो सर ये सुनीता जो किडनी कांड हुआ है ये आप मान रहे हैं कि नहीं किसी सरकारी स्कूल के सरकारी हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण ही हुआ? क्यों नहीं सर मान रहे? नहीं क्यों नहीं मान हम इसलिए नहीं मान, अगर सरकारी सुनिए सर अगर सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा सुविधा उपलब्ध होता, सुनिए सर एक मिनट सर मेरा बात सुनिए, अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर पीड़ित मरीज सॉरी सर अगर पीड़ित मरीज आने के लिए नहीं डरते तो क्या इतना क्लिनिक आपके सकरा में, सर कितना क्लिनिक आपके सकरा में, कितना इतना क्लिनिक खुलना जरूरी था? नहीं नहीं खुलना जरूरी नहीं था। क्यों खुला गया सर, क्यों खुला गया? अब ये लोग चाहता है कि हर चीज़ हमको पास में ही हो जाए। पास में नहीं सर, यहाँ पे आप सोचिए ना सर, आपका भी सर परिवार होगा, आप सोचिए थोड़ा देर के लिए सोचिए, थोड़ा साइड मूड में सोचिए, आपके परिवार के साथ अगर सरकारी हॉस्पिटल में आपका परिवार गया इलाज कराने के दौरान, उसको वहाँ पे इलाज नहीं हो पाया सही ढंग से, आपके पास तो व्यवस्था नहीं तो इलाज क्या कीजिएगा, नहीं हो पाया तो उस समय आपको क्या लगेगा कि हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए कि कहीं और सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए? नहीं, नहीं, अभी के सिचुएशन के अनुसार नहीं, अभी के सिचुएशन में अभी सभी सरकारी संस्था में बेहतर चीज़ें उपलब्ध हो गया, आप 4 साल पहले अपना सकरा में जो मैंने काम अभी हो रहा है जितना चीज़ फैसिलिटी अभी बढ़ा है, 4 साल पहले अपने सकरा में या 5 साल पहले नहीं था, अब धीरे धीरे सब जगह डेवलप किया है, उसके बाद आपको हायर सेंटर बेड कितना है सर आपके हॉस्पिटल में, बेड कितना है? बेड तो कमियाब बेड सर, कमियाब बेड, कमियाब बेड नहीं, ऐसा बात नहीं है, सारा कमियाब बेड है, और बेड जैसे कि आप PSC तो 6 बेड का ही होता है, लेकिन अभी भी हम लोग के पास में लगभग जो है सो 30 बेड जो है हम लोग बना किए हुए हैं और सब पर काम भी होता है सर। आरोप है कुछ पब्लिक का, ये भी आरोप है कि यहाँ पे जो छोटा मोटा दवा जैसे AC लॉग ये सब टाइप का 2-4 रुपया का दवा यहाँ पे फ्री प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ही बड़ा दवाई की बात आती है जिसका कीमत 100-150 से ऊपर हो, डायरेक्ट आप लोग एक छोटा सा पुर्जा, ये लिखित पुर्जा नहीं या हॉस्पिटल के पुर्जा पे नहीं, आप लोग छोटा सा पुर्जा काट लिख के दे देते हैं बगल के दुकान से, आप ये दवा ले आइए, क्या ये सही बात है? सर अगर प्रूफ दे दिया जाए एकदम बिल्कुल दिया जाए, क्या एक्शन लीजिए होता क्या सर, ऐसा क्या होता क्या है सर, क्या एक्शन लीजिए पहले बता दीजिए।
हमको क्या एक्शन लीजिए? एक्शन क्या मैंने इसके लिए आगे हम लोग मैंने लिखित मैंने देंगे कि भाई या डॉक्टर या जो भी मैंने है ये लोग ऐसा कर रहा है। तो सर इस पर ध्यान दीजिए, हम ऐसे बोल रहे हैं आपको आज मतलब सिर्फ प्रूफ कराने के लिए आपके पास आए हैं। और ये सकरा हॉस्पिटल है, जान लीजिए मुजफ्फरपुर के सकरा हॉस्पिटल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसे बहुत अच्छी है, यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। चार चार एम्बुलेंस यहाँ पे है लेकिन चलने के लिए एक भी एम्बुलेंस नहीं है। देखिए यही हॉस्पिटल है, साफ सफाई में थोड़ा भी आप नहीं कर सकते कुछ। देखिए साफ सफाई देखिए, यहाँ पे पानी लगा हुआ है, पता नहीं इसमें पानी है कि नहीं है। और देखिए इसका साफ सफाई देखिए, वाह डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, इसमें पानी नहीं है। इसको टोटी को टिपा जाता है, इसमें देखिए पानी तो आ रहा है लेकिन इसका साफ सफाई देखिए ना। और इधर देखिए, आइए अंदर आइए, देखिए साफ सफाई इतना बदबू दे रहा है हॉस्पिटल में, ये पूरा ये साफ सफाई है, बाहर वाह साफ सफाई देखिए, ये पूरा साफ सफाई है। और इधर पूरा देख सकते हैं ये जाँच कक्ष है, ये जाँच कक्ष है और यहाँ पे मरीजों को रखा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे एक मरीज है और इतना बेड खाली है, खाली होने का मेन रीज़न यही है सर, खाली होने का मेन रीज़न यही है। और यहाँ देखिए मरीज़ की संख्या बढ़ी हुई है, हालांकि बेड है, डॉक्टर साहब के कथनानुसार बताया गया कि इसमें बेड है लेकिन मरीज़ यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। कम नज़र आने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे सही से मतलब इसका उपचार नहीं किया जाता है। देखिए बाकी सब ठीक है, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दे दिया जाता और अच्छी बात है। और ये सकरा हॉस्पिटल है, आप इधर दिखाइए, थोड़ा इधर आइए, आइए इधर इधर आइए। देखिए सीसीटीवी कैमरा भी लगी हुई है, अगर डॉक्टर साहब अभी इनकार करते कि नहीं हम रेफर नहीं किए हैं और यहाँ पे महिला नहीं आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। तो डॉक्टर साहब तो हालांकि झूठ बोले नहीं है तो हम कैसे कह दें कि सर नहीं वो डॉक्टर नहीं आए। देखिए आप पढ़िए, यहाँ पे आप लोग खुद पढ़िए, लिखा हुआ है रेफरल अस्पताल सकरा, यही रेफरल अस्पताल है सकरा। जो मरीज यहाँ पे आने के लिए डरते हैं प्राइवेट स्कूल में हॉस्पिटल में, इसलिए डरते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, किडनी निकाल दिया जाएगा, मूत्र नली काट दिया जाएगा, फेफड़ा निकाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो इसके डर के अनुसार ये लोग सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, हमको अच्छा से इलाज किया जाएगा और सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी लोग नहीं आते इसलिए कि यहाँ पे उपचार अच्छा नहीं किया जाता है। डॉक्टर साहब से बात किए, वो भी आश्वासन दिए तो जल्द से जल्द इसको हम ठीक करेंगे। अब आगे क्या होता है बताते रहेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।